everything changes. तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सस्ता सा डाइट, जो कि आप होस्टलर हो तो आप ले सकते हो, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसके, आप भी तभी आप उसको ले सकते हो डाइट को। तो मैं आपको बताऊंगा डाइट क्या क्या चीज लें आप, अगर आप वो बॉडी वेट गेन करना चाहते हो, मास गेन करना चाहते हो, उसके लिए क्या आपका डाइट होना चाहिए। तो सबसे पहला एक बात तो आप लोग समझ लो कि आप लोग को, जैसे मेरा कुछ फ्रेंड है जो कि नाश्ते में भी ओट्स, खाने में ओट्स, मतलब आपको आपका डाइट, आपका मील नहीं छोड़ना। अगर आपका तीन ये आपका खाना है तो हम लोग के लिए, होस्टर्स के लिए मैं खासकर बोलना चाहूंगा, आपको मील आपका तीन जो है, रोटी दाल सब्जी, ये आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वेट गेन करना है तो ये खाना पड़ेगा, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा तेल और ज्यादा मीठा इस तरह थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, बाकी आपको खाना करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ये सब अपने वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, रात को आपको उस तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये चीजें आपको जरूरी है मास गेनिंग में, आपको वेट गेन करने में, जो कि मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया, खुद का मेरा वेट। आप लोग मेरा पहले का तस्वीर देख सकते हो, मैं भी डालूंगा इस तस्वीर देख सकते हो, उसके बाद अब का मेरा तस्वीर आप लोग देख सकते हो कितना डिफरेंस आया है। तो थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना है भाई लोग, एक्सरसाइज करना है, तो ये सब चीजें आपको जरूरत है। तो भाई लोग, पहला नंबर पे आता है हमारा प्रोटीन, जो कि प्रोटीन आप लोग को लेना है अगर, तो एज इट इज का प्रोटीन ले, हम लोग के लिए बहुत ही सस्ता है और हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 1000-1100-1200 रुपए हम लोग के महीने में, ज्यादा वो नहीं रखता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन है, एज इट इज का प्रोटीन। मैंने इसके बारे में ज्यादा अगर डिटेल आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बारे में मैं सारा कुछ बताया उसमें, इसका रेट, अनबॉक्सिंग सारा कुछ बताया, इसमें आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और इसको आप ले कब, तो वर्कआउट से तुरंत बाद, वर्कआउट से तुरंत, या तो आप अगर आपको हो सके तो जिम लेके जाओ, वर्कआउट करो, फिर तुरंत सेक करके पी लो। वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट आपका ये रखो आपका एज इट इज प्रोटीन। और वर्कआउट से पहले क्या खा के जाओ, वर्कआउट से पहले मैं क्या खा के जाता हूँ कि आप लोग को बोलूंगा भाई आप लोग खा के जाओ, उससे बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे आप जिम में। मैं तो आप लोग को बताऊंगा वो क्या चाहिए, उसमें बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप दो तीन केला खा सकते हो आप, दो केला साथ में ब्राउन ब्रेड और ये दो केला पीनट बटर के साथ, ठीक है, पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड लगा के दो केला आप खा सकते हो 45 से 50 मिनट पहले, ठीक है। तो आपका जिम में एनर्जी बना रहे, कार्ब्स रहेगा दोनों सब में, इसमें कार्ब्स मिल जाएगा आपको, इससे कार्ब्स मिल जाएगा, पीनट बटर से थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, एनर्जी सारा कुछ आपको, मतलब पूरा आपका वर्कआउट के समय आपका एनर्जी बना रहेगा। ये आप खा के जाओगे 45 मिनट पहले, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 45 मिनट पहले खाओगे तो पच जाएगा, थोड़ा डाइजेस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आप वर्कआउट से पहले लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके आगे का चीज मैं बता रहा हूँ आपको, उसको वर्कआउट आप करके आओ, जिम से आओ तो आप एज इट इज प्रोटीन लोगे, ठीक है, एज इट इज प्रोटीन लिए। और उसके बाद आप जो आपका लास्ट मील, आप जो खाना खाओगे, जो कि घर का खाना, होस्टल का खाना जो आप खाओ, जिसमें कि आप रोटी ज्यादा खा सकते हो, रोटी ज्यादा 4 से 5 रोटी ले लो, और सब्जी ले लो, ग्रीन वेजिटेबल जो आप खाते हो। मैं अगर आपका फुल डे ऑफ ईटिंग का पर वीडियो देखना है तो वो भी मैं डाल रखा है, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं सुबह से लेके रात तक का क्या मैं खाता हूं, मैं तो अपना एक्सपीरियंस भाई शेयर करूंगा, किससे मुझे फायदा मिला है, किससे आप लोग भाई लोग को फायदा मिल सकता है, मैं वही चीज से बताऊंगा। तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो मैं फुल डे ऑफ ईटिंग। तो रात का आप खाना खाओगे, ठीक है, रात के खाने में आप क्या ऐड करोगे, रात के खाने में आप ऐड, जो कि मैं क्या करता हूं, तो आप 5 बॉइल्ड एग ऐड कर सकते हो, 5 बॉइल्ड एग। उसमें क्या करना है, 5 बॉइल्ड एग में 2 एग योक्स के साथ खा सकते हो और 3 एग व्हाइट खा सकते हो, ठीक है। एग व्हाइट के साथ प्रोटीन मिल जाएगा, एग योक्स में थोड़ा फैट रहता है, इसलिए मैं 2 ही एग योक्स प्रेफर करूंगा आप लोग खाएं, ठीक है। तो अंडा हो गया हमारा। उसके बाद अब आप लोग बोलोगे कि केलॉग ओट्स कब खाना है, ठीक है, ओट्स कब खाना है, तो ओट्स भाई खाने का सबसे सही समय होता है सुबह सुबह उठो, ठीक है,
सुबह उठो हम मेरा हॉस्टल में मेस है, उसमें पराठा वगैरह मिलता है, पराठा तेल वगैरह रहता है तो मैं नहीं खाता हूँ। तो ओट्स मैं सुबह उठ के ओट्स दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के 5 से 10 मिनट रख के फिर मैं ओट्स खाता हूँ। ओट्स में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, कार्ब्स मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगा, सारा कुछ है इस प्रोटीन में। और ये केलॉग्स का मैं, एक केलॉग्स का मैं ये प्रेफर करूंगा, केलॉग्स का सही होता है ओट्स। और पतंजलि वगैरह का भी आता है, आप लोग देख लो, जो आप लोग को पसंद हो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो ये पूरा डाइट है, ये सारा कुछ है, आप लोग ट्राई करो, ट्राई करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर ही मिलेगा। मैं इसी को ट्राई करता रहा, आपको बस पेशेंस रखना है, वर्कआउट करना है और डाइट लो, दबा के एक्सरसाइज करो, बस बॉडी बनेगा ही बनेगा, ठीक है भाई लोग। आशा करता हूं आप भाई लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ठीक है भाई लोग। तब तक के लिए बाय।